एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियोस के साथ आप सभी का स्वागत है अरीशानस व्लॉग पे। आज हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने और उस जगह का नाम है भीमली बीच। तो आप भीमली बीच जब भी आएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी जगह घूमने की मिल जाएंगी, जस्ट लाइक ऋषिकोंडा बीच, रामोजी फिल्म सिटी, थोटलाकोंडा बीच। ऑलरेडी मैं इन सभी जगहों का वीडियोस बनाया हूँ। जब मैं थोटलाकोंडा की वीडियोस बनाया था तो यहाँ पे एक जगह को आप लोग को दिखाना था, लेकिन किसी वजह से मैं आपको वो जगह नहीं दिखा पाया। तो आज मैं आप लोगों को उस जगह को दिखाऊंगा पहले, फिर हम लोग जाएंगे भीमली बीच। तो अभी हम लोग उस जगह पे चलते हैं। वो चीज़ बहुत ही एंटिक चीज़ है, आई थिंक वो शायद ही बहुत कम ही लोग देखे होंगे। वो टोटली नेचुरल चीज़ है, तो आप लोग देखिएगा। मैं अभी आप लोग को लेकर चलता हूँ वहाँ पे। कि हम लोग बीच के पास आ चुके हैं और बीच के पास आए हैं तो देखिए ये जो टोटल नेचुरल आर्च दिख रहा है, कैमरा करके दिखाओ, तो ये वेव के कारण बना है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, ये टोटल नेचुरल आर्च है। मैं आपको जस्ट बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ। और अगर मैं थोटलाकोंडा का जो मेन आकर्षण का केंद्र है, जो नेचुरल आर्च के नाम से जाना जाता है, वो ये जगह है। इस जगह से पूरा आदमी नीचे जा सकता है। देखिए मस्त लग रहा है। नेचुरल आर्च का जो एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को अभी कुछ देर में बता दूंगा, कि क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, कंफ्यूजन हो गई थी, तो इस वजह से मुझे भी नहीं मिल पाई। तो अभी मौसम भी वैसा ही का आज काफ़ी अच्छा है और भीड़ भी कम है यहाँ पे। आज भीड़ कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि आज विशाखापट्टनम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो हम लोग भी ट्राई किए टिकट के लिए, बट टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इस वजह से हम गए नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक नई जगह को दिखाई जाए। ठीक है, तो अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे, सबसे पहले लंच कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे भीमली बीच के लिए, जो जिसका टोटल डिस्टेंस वाइजैक से 25 किलोमीटर्स है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो नेचुरल आर्क का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये मेन रोड गया है, इसके जस्ट सामने ये टेंपल है और टेंपल से एग्जैक्ट बीच साइड में आइएगा तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाकर आप साइड लोकेशन में है। एक बार मैं यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अक्सर को लोगों को कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पर। रोड से जब आप यहाँ आएँगे तो जस्ट कॉर्नर पर कपल्स फोटो शूट करा रहे हैं, तो वही एग्जैक्ट नेचुरल आर्च का लोकेशन है। अभी मैं हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, उनके पास एसी नॉन एसी दोनों तरीके से जगह बैठने वाला है। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं खाने का ऑर्डर दिया हूँ। मैं यहाँ पे नॉन वेज तो नहीं ऑर्डर किया हूँ, वेज ही ऑर्डर किया हूँ, पनीर फ्राइड राइस। तो अभी वो आएगा, मैं आप लोग को खाना भी दिखाऊँगा। एक साइड का व्यू देखिए, ये है इनका ओपन रेस्टोरेंट और इस साइड में कई सारे सेल्फी पॉइंट। हम लोग यहाँ खाने के लिए पनीर फ्राइड राइस, लेकिन डिनर हो गया, आए नहीं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब टाइमिंग से ही एक्चुअल में परेशान है, टाइम टेकिंग। ये इनकी पनीर फ्राइड राइस कोल्ड ड्रिंक, इसको ट्राई खाने के लिए बता दूँ। अभी हम लोग
लोग का पेट पूजा हो चुका है और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं भीमली बीच। रेस्टोरेंट का खाने की बात करें तो खाना अच्छा था, बट जो मेन प्रॉब्लम था वो आई थिंक थोड़ा सा टाइम टेकिंग का प्रॉब्लम था। रेस्टोरेंट में तो 10-15 मिनट्स लगते ही हैं। इस रेस्टोरेंट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है थोटला गोंडा गेट के सामने, और मेरे पीछे खड़ी है एक असम सी कार, और इसका जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये है थोटला गोंडा का गेट और ये है रेस्टोरेंट एरिया। गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं भीमली बीच। मेरे बैक साइड में देखिएगा तो आई लव भीमली लिखा हुआ है, और भीमली बीच की बात करें तो इसे भीमली पट्टनम भी बोलते हैं। और ये जो लोकेशन है यहां पे खासकर फिशिंग ज़्यादा होती है, और ये वाइजैग से 25 किलोमीटर है। यहां पे आप बाई बस आ सकते हैं या ऑन व्हीकल से आ सकते हैं। गाइज अभी हम लोग चलते हैं बीच साइड पर, ये है मेन रोड। आज वाइजैग का मौसम काफ़ी अच्छा है, नॉट फॉर ओनली वाइजैग, एक्चुअली आंध्र प्रदेश का ही मौसम अच्छा है। यहाँ पे साइक्लोन आना था, कल नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए यहाँ का नीला आसमान नीला पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भेलपुरी आपको बीच पे एक कॉमन डिश है, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं भेलपुरी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लाइक सीनरी के तरीके से। अगर आप सब बीच के शौकीन हैं, बीच पे नहाने के शौकीन हैं, और आप भेलपुरी बीच ट्राई करिएगा जरूर आइए। सबसे ज़्यादा निगेटिव चीज़ लगी ये है कैमरा मैन, यहाँ पे बहुत सारे लोग टहल रहे हैं अननेसेसरी। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो घूमने आए हुए हैं, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती। बीच की दूसरी जगह साइड चलते हैं, ठीक है, तो आप वीडियोज़ के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो भी अपकमिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। भीमली बीच पर ही आपको दो जलपरी के स्टैचू मिल जाएगा, पूरी तरीके से डैमेज है, और दूसरी ये एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी है भीमली बीच पे। आप भीमली में स्टे भी कर सकते हैं, भीमली बीच के सामने जस्ट देखिएगा तो एक रोवर टेल होटल भी है, मेरे बैक साइड में आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे होटल्स हैं स्टे करने के लिए, जो कि आप इजीली स्टे कर सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ भीमली में, जो सेकंड बीच है उस जगह पे, और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। क्या इस साइड पे कुछ फैमिलीज वगैरह हैं जिनके पेड़ वगैरह लगे हैं पीछे, और उसी साइड से मेन रोड है। तो अभी यहाँ का जो बैक साइड करके ये है यहाँ का बीच लोकेशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी है, यहाँ पे नहाने लायक भी है। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।